यू आर ए नॉन इंजीनियर बहुत सारे नॉन इंजीनियर बच्चे हैं और डरते हैं बहुत quants को लेके। कि अगर किसी को क्वास इंप्रूव करना है एक अच्छी लेवल पे क्या करना चाहिए ये भी बता देना कि बच्चे ना बहुत ऐसा सोचते कि सर अल, अल्जरा भी करना है अरिथमेटिक भी करना है मॉडर्न मैथ भी करना है और जोमेट्री भी करना है हमें सब कुछ करना है ये जरूरी है वो भी एक बार बता देना

स्कोरिंग नाइन एंड कैट आई नॉट से जर्नीज विध अपाउस कभी आपके मार्क्स में कम आएंगे कभी ज्यादा आएंगे और मोटिवेशन जो लाइक टीचर्स के व्यू वो रहना चाहिए आपके नाइनटी नाइन पॉइंट लाने के लिए सो वेन यू आर गनिंग फॉर नाइनटी नाइन क्या दिमाग में टारगेट था कि मुझे नाइन्टी नाइन ही लाना है या मुझे यूनो ब्लैक ही चलना है बिकॉज बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि यू नो वी टू गेट नाइनटी नाइन

तो प्रॉब्लम्स थी लेकिन फिर सी टू सी ने थोड़ी बहुत हेल्प कर दी थी स्ट्रेटजीज hmm. और hmm. तो hmm. वीक था मेरा hmm. तो वहाँ पे जो सेट्स थे शांकी सर के वो सेट्स होते थे और hmm. example, वो बहुत था, तो फिर वो सब जो स्ट्रेटेजीज और जो पिन पॉइंट फोकस जहाँ पे जिस सब्जेक्ट्स hmm. पे देना है तो hmm. फिर उससे थोड़ी सी हेल्प हो गई थी मेरी ओके okay. <laughs> um, how did you prepare for DILR? I मतलब, mean, I think we, we've done, in my opinion, 500-600 sets with Shanky, with you guys. DILR, so, sir, तो, like, बहुत ही ज्यादा शांकी सर थे अर्पित सर थे उसके बाद गौरव सर गौरव तो सर आखिर में वो तो हाँ। तो बहुत ज्यादा कंटेंट हो गया था अगर उसी कंटेंट को आप करोगे नो एक्स्ट्रा बुक्स <laughs> तो कंटेंट तो बहुत था उसी से मतलब यू विल बी अबव 95 इन डीएलआर आई विल से मेरे तो 98.24 थे 28 समथिंग थे तो उसी से हुए थे आई मैंने कोई एक्स्ट्रा बुक्स नहीं ली थी

वर्बल बीइंग नॉन इंजीनियर के साथ एक वो स्टिग्मा टाइप रहता है कि वर्बल ये करेगा इंजीनियर हाँ, नहीं करेगा हाँ, तो हाँ, वो मेरे साथ हाँ. उल्टा था मेरा पॉइंट्स <laughs> अच्छा था मेरा वर्बल हाँ, अच्छा नहीं था राइट right. वर्बल तो, में सर जैसे आप कहते थे कि वर्बल में यू डोंट हैव टू

कुछ रीडिंग वगैरह वगैरह करा करा था Sir, uh, reading, आ, पेपर तो था पेपर 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 पढ़ते थे या फिर खाली रूल्स 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 सर सर तो तो ब्लंटली बोल तुम मत ही पढ़ो मेरे लगाओ और वो और वो की प्रैक्टिस करो रोज करो तो फिर वो होता था, था और वो रूल्स को जैसे सर बोलते थे तो रूल के क्लास में

परफेक्ट सो so, मेरे ख्याल से कंसिस्टेंसी वुड मैटर अलॉन फाइन ओवरऑल कितने मॉक्स लगाए थे आपने मॉक्स सो इफ आई हैव टू काउंट तो मैंने एक दूसरी कोचिंग के अराउंड ट्वेंटी मॉक्स लगाए थे हाँ हमारे पच्चीस फोर्टी फाइव यहाँ पे हो गए फोर्टी फाइव ऊपर से टी वाई सी जो नॉर्मल हाँ, अपना जो डैशबोर्ड हाँ, वाला मॉक्स हाँ, है वो हो गए बीस लगाए होंगे अच्छा मेरा मैं बीइंग दी सेकंड है, तो मेरा सिलेबस तो पहले से ही कंप्लीट था exactly. तो मेरे पास टाइम बहुत था तो इन अ वीक आई यूज्ड टू गिव अराउंड

मतलब ये जो जो बच्चे रिपीटर हैं या फिर 70 परसेंट आई या फिर जो पहले एग्जाम दे रहे हैं पहली बारी सिलेबस एज एज सच कोई चीज होती है क्या कैट में जेनविनली अगर हम बात करें तुझे क्या लगता है सर पिछले साल ही मैथ हुई है सिलेबस ऐसा सच कुछ होता नहीं है exactly. पिछले exactly. साल ही वीआरसी का पैटर्न चेंज हो गया mm -hmm. अब आप बोलो वो mm -hmm. जो भी था पैरा कंप्लीशन था mm -hmm. वो नहीं आता तो फिर वो तो राइट

उसमें वर्बल में कितना था सर वर्बल इन दैट आई विल से आई डोंट रिमेंबर इट करेक्टली एनी बॉल नंबर इट वाज क्लोज टू 75 आई 75 परसेंट आई विल से हां देन यू जंप टू 95 परसेंट आई हां इन कैट 2022 यस सर तो 75 से 95 इज अ बड़ा जंप बाय द वे सो तूने वर्बल में जितना बोला था उतना ही करा था

भी करना है अरिथमेटिक भी करना है मॉडर्न भी करना है और ज्योमेट्री भी करना है हमें सब कुछ करना है अगर आप कॉन्ट्स भी एनालाइज करने बैठोगे एक ट्रेंड भी देखोगे सर भी अपलोड कर देते हैं कि ये ट्रेंड चल रहा था ये चल रहा था तो वो भी देखोगे तो सब कुछ आता नहीं है और अगर बाई सपोज अगर मैं बोलू प्रोबिलिटी मैंने करना है जबरदस्ती तो दो तीन क्वेश्चन आ भी गए थोड़ा सा पानी में ही जाओगे. <laughs> तो फिर वो नहीं करना है आपको अपने areas, सबसे पहले तो आप देखो, ए, आग वाला जो फैक्टर होता है हाँ। वो उस पे सबसे पहले तो फोकस कर लो क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पेपर वही होगा so सो आग मतलब इट्स एंड ज्योमेट्री जो सी हैव द शॉर्टकट एज आग पर सच में आग लगाते हैं तुम्हारे कैट पेपर में बिकॉज 85% तुम्हारा पेपर यहां से निकलता है

Important चीज़ रहती है कि कि बच्चे practice करते हैं और जो question by chance difficult लगा, उसको वो वो वो। उस करेंगे, लेकिन वो एक हफ्ते बाद भूल जाएंगे कि मैंने उसका अप्रोच क्या रखा था हाँ, इसलिए मैं कहता तो, हाँ, तो वो नोटबुक मेरी इतनी मोटी एक नोटबुक होती थी कि जिसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन मॉक्स के चाहे वो के हो किसी और के मॉक्स हो उसमें जो मेरे को लेकिन अप्रोच छोटा कर सकता गया

पीजे में जंप करो आरसी डू नॉट क्योंकि पीजे right. आपका एक वार्म टाइप का हो जाएगा वो पीजे uh, पैरासमरी आपका एक वार्म अप right. देगा आरसी में परफेक्ट क्योंकि आप स्टार्टिंग में जाकर ये आरसी एकदम पढ़ने hmm. लगोगे तो फिर थोड़ा सा क्योंकि आप थोड़ा टेंशन में रहते hmm. हो ये तो फिर hmm. वो स्ट्रेटजीस थोड़ी सी होती थी hmm. Hmm. बाकी मैंने एक खुद भी स्ट्रेटेजी डेवलप करी हुई थी अपनी फॉर हाँ. एग्जांपल जैसे डीएलआर में टीटा वाले क्वेश्चन जीरो मार्किंग उसमें ना पॉजिटिव ना नेगेटिव तो अगर वो नहीं किए तो तुक्के मार के आ जाता था तो मैं जीरो 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 और क्वांट्स में जैसे फंक्शन वाले क्वेश्चन में, में मैंने नोटिस किया हुआ था जीरो मोस्ट ऑफ टाइम आंसर होता था हाँ.

आई द ब्रांड व्हिच आई आई वाज अर्लियर विद उसमें मैंने एक साल का कोर्स किया हुआ था hmm. तो उनसे hmm. तो उनमें जो मैंने कोंट्स पढ़ी थी hmm. उसमें से प्लस कुछ ट्रिक्स जो थी मेरे को उससे थोड़ी और ज्यादा उसमें एडिशन जो वैल्यू एडिशन था वो सी टू सी में मिला

so he was telling me that entire he showed me that entire excel spreadsheet so it's not just for verbal for quants and dlr also you know we are we are really you know killing it okay so sir i'll tell you one hmm. more thing or to the audience who will be listening all yours one more thing मैं बता दूँ see most of the students जो sir के पास हैं अभी भी हाँ all are repeaters mostly हाँ <laughs> mostly <laughs> are repeaters so, 90% repeaters हैं ये बात है तो वो fresher जो थे मैंने side पे था तो i'll <laughs> just a message to the fresher कि

एक साल बच जाएगा एक साल बच जाएगा थैंक्स यार मींस अ लॉट ये अच्छा पॉइंट था बाय द वे डू डू कीप दिस इन माइंड बिकॉज़ 99% डॉलर आपको बता रहा है थैंक यू सो मच अमित थैंक यू सर